बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीए इंग्लिश पार्ट टू ऐसे मज़मून कैसे लिखते हैं। ये 25 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा करने के लिए, और इसके अंदर आपने जो वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो 300 से 350 तक होंगे, 300 to 350। और ये आपने आउटलाइंस भी इसकी निकालनी है, 10 से 15 इसकी आउटलाइंस आप निकालें। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको करना कैसे है, और फिर कुछ इम्पोर्टेंट एसेज भी आपको मैं बताता हूँ। आपने इसको तरीक़ेकार ये है, आउटलाइन जो आप निकालेंगी उसके अंदर आप डिफाइन की इसकी निकालें, डेफिनेशन, कोई भी टॉपिक आता है उसको डेफिनेशन करें, और उसके बाद फिर उसके मेरिट्स के ऊपर 5-7 निकालें उसके आउटलाइन, फिर उसके डीमेरिट्स। इस तरीके से आपने कोई भी एंड पे आके फिर उसका कंक्लूजन, कोई भी आपने ऐसे लिखना है को आपने इस तरीके से उसको लिखना है, उसको डिफाइन करेंगे, मेरिट्स आ जाएंगे, फिर डिमेरिट्स आ जाएंगे, और कंक्लूजन आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आप बताएं कहते किसे अनएम्प्लॉयमेंट है के, और उसके बाद फिर इसके अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसके क्या नुकसान हैं, ठीक है, फिर इसके फ़वाद, और फिर इसके आखिर पे कंक्लूजन। इसी तरीके से को एजुकेशन आ जाती है तो को एजुकेशन है क्या, को एजुकेशन के फ़वाद क्या हैं, और उसके बाद इसके क्या नुकसान हैं, और उसके बाद इसका कंक्लूजन। ये इसका तरीक़ेकार है कुछ लिखने का, ठीक है। और इसके अंदर आपने बड़े बड़े फिक्रे नहीं लिखने, कोई उसके अंदर अपनी ग्रामर पावर नहीं शो करनी, कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा फिक्रे एंड के साथ नहीं बनाने, छोटे छोटे फिक्रे बनाएं और कोशिश करें कि वो एंड के बगैर बने, क्योंकि एंड करेंगे तो फिर वो सीक्वेंस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, फिर कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट एसेज बता रहा हूँ जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है, और चांसेस हैं कि आपके इसके अंदर जो है पेपर के अंदर भी आ जाएंगे। पहले नंबर पे आप ले लें अपने जो है फीमेल से आते हैं कि फ़ीमेल एजुकेशन, और उसके बाद फ़ीमेल को जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में और घर में। फिर हम आते हैं डेमोक्रेसी, फिर हम ले लेते हैं कि जो है साइंस के ऊपर कि साइंस के जो है वो बेनिफिट, फिर हम डेमोक्रेसी, फिर आप लें माय चाइल्डहुड, फिर फर्स्ट डे, माय फर्स्ट डे इन कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जो भी है, क्योंकि आपका ये ग्रेजुएशन का है तो इसका मतलब ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। फिर आपने लेना है कि एक मैच का आंखों देखा हाल, फिर आप लें एनर्जी क्राइसिस आ जाए, फिर उसके बाद आ जाए चाइना पाक इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है सी पैक जिसे बोलते हैं, इसको आप करें। फिर आपने जो है जो लेना है, अच्छा जी, फिर द पर्सन आई लाइक द मोस्ट, ऐसा शख्स जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसके अंदर आपका हीरो आ जाएगा, टीचर भी आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लेयर ऑफ रीडिंग और लाइब्रेरीज यूज़, लाइब्रेरी का जो है वो इस्तेमाल। ये कुछ ऐसेज हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आई होप के इंशाल्लाह ताला आपका अच्छे तरीके से जो है ना ये पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। और इन केस अगर आपको इसमें से नहीं आता तो आपने इनकी मदद से बनाना है, ठीक है ना, ये नहीं कहना कि मुझे आता नहीं है तो आप उसको छोड़ के बैठ जाएं, आपने इनकी मदद से बनाना है। और तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूँ आपने किस तरीके से करना है, उसको डिफ़ाइन करें, उसके जो है ना फिर उसके मेरिट्स, और उसके बाद उसके डिमेरिट्स हो उसका जो है फिर वो कंक्लूजन, ये आपने इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह ताला आपका अगर ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये आपने इसने आपको देने हैं 25 नंबर इसके हैं, और आपका एक लेटर या एप्लीकेशन इसके साथ लग जाती है, तो 40 नंबर आपका ये बन जाएगा। यानी कि ये बेसिक रोल है इन दोनों चीज़ों का आपके ये पेपर को क्वालिफाई करने में, ये ठीक है। इसके अंदर एक ऐसे, और उसके बाद फिर ये हमने जो भी बात की, लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा, वो उसके ऊपर मैं फिर अलग से एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि आपने उनको किस तरीके से करना है। ये आप लोगों की सहूलियत के लिए जो है एक जो है ना वीडियो YouTube के अंदर अपलोडेड हैं, और उसके बाद WhatsApp ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसके अंदर आप अपने दोस्तों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, बेस्ट ऑफ लक।